15 स्टेशन से यहाँ पे लोग आए और उसी के साथ ही आपने माननीय ओम बिरला जी के द्वारा आपने पुस्तक का भी आपने कराया। सर जो आपने पुस्तक लिखी है उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए ऐसा है एवं पुस्तक के बारे में मेरा ऐसा है कि मेरे जीवन में मैंने जो कष्ट करके आया है जी, तो ये जो हमारी पीढ़ी है अभी नई जो पीढ़ी आई है वो लिखे पढ़े 12वीं पढ़ते हैं 14वीं पढ़ते हैं, उन लोग क्या सोचते हैं हिम्मत हार जाते हैं। और मेरा पुस्तक जो इंसान पढ़ेगा बच्चों लोग, ये मैंने प्रेरणा बच्चों लोग के लिए किया है ये बुक पढ़ के, उनको हिम्मत आए एक अनाड़ी इंसान ये जीरो से लेके आसमान तक जा सकता है, वो बुक पढ़े तो कभी कोई फांसी लेवे नहीं, कोई जहर पिए नहीं, पढ़ाई में हिम्मत हारे नहीं करके मैंने ये बुक उसको प्रेरणा के लिए वो बुक बनाया गया है जी। बहुत और आज जो संत जयंती में आज जो कार्यक्रम हुआ उसके बारे में क्या संदेश देना? देखिए ऐसा है 285 जयंती में माननीय उमेश यादव साहब हर साल दिल्ली में प्रोग्राम करते हैं, जयंती बनाते हैं, तो उस जयंती में जो उमेश यादव जी का रोल जो है वो मैं बोलता हूँ बहुत सराहना रोल है, क्योंकि समाज की एकता करना, 26 स्टेट से लोग आते हैं बंजारा समाज, जब इसे उमेश यादव जी ने ये जयंती बनाना चालू किया तो जहाँ जहाँ दिल्ली में हमारे समाज के लोग थे, दिल्ली में थे, हर स्टेट में जो गपचुप छुपे हुए थे, जो नहीं मालूम था वो उमेश यादव जी की मेहरबानी से मालूम पड़ गया कि समाज को एक साथ एकता होने की एक शक्ति बढ़ गई और एक साथ बहुत सारे लोग जुड़ गए हमारे साथ, एक कारवा बन गया बढ़िया। लेकिन पवार साहब ये 5वीं जयंती का बहुत ज़्यादा रहती है और आज ये भी साबित कहा समाज ने कहा आपको कि बंजारा समाज के 2 रत्न हैं जिनको संभाल करके रखिए और जो आपको आज कहा गया आज जी। देखिए ऐसा है रत्न तो हमारे उमेश यादव जी है, उसके छाव मैं हूँ, दो क्या बोलते हैं छाव में हूँ पर मैं रत्न नहीं हो सकता हूँ क्योंकि मैं छाव हूँ, उतना ही रखे अच्छा रहेगा। और सर आगे आपके और क्या चल रहा है, अभी आपने पुस्तक निकाली आगे और क्या विचार है सर आगे? आगे विचार ऐसा है हमारे माननीय उमेश यादव जी का अभी इलेक्शन आ रहा है, उस इलेक्शन में हम सब मिलके हमारे समाज को मैं विनती कर रहा हूँ आपके माध्यम से, ये हमारे समाज के लोग को जनसंख्या को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि हम एक साथ जुड़ के हमें उमेश यादव जी को लाना है, फिर से लाएंगे तो मेरे ख्याल से अभी मंत्री बन जाएंगे, मंत्री बने तो कई और काम हो सकता है, अभी तो बहुत सारे काम किए हैं और काम बढ़ेगा, ये मेरी विनती है हमारे समाज को। हमारे समाज में भी कई लोग जो थोड़े बहुत नाराज है उनको भी मैं हाथ जोड़ के मैं विनती करता हूँ, क्योंकि आज गर्व से हम लोग दिल्ली में जयंती बनाते हैं, गर्व से उमेश यादव जी है खासदार करके हम बोलते हैं, तो ये गर्व हमारे को सबसे बड़ी बात है हमारे बंजारा समाज। और सर ऑल इंडिया बंजारा बहुत सही चीज़ें हैं जो कि आपको जाना जाता है आपके नाम से, लोगों को पहचानते हैं जो कि ऑल इंडिया बंजारा सेवा संघ के नाम से राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं सर, उसके नाते लोग को एकजुट करने के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए ऐसा मैं तो चाहता हूँ कि पूरी समाज हमारी एकता हो, एकता की बहुत बड़ी शक्ति होती है, हम एकता है। अभी मुंबई में मैंने एक कार्यक्रम रखा था, लाखों लोग आए थे तो एक शक्ति बढ़ गई, एकता की शक्ति इतनी बड़ी कि वहाँ पे मुख्यमंत्री 2.5 घंटा हमारे साथ में बैठे थे, उप मुख्यमंत्री मंत्री बहुत सारे थे, मेरे ख्याल से मीडिया वाले आप भी थे मेरे ख्याल से प्रोग्राम में, तो एक शक्ति बढ़ने से हमारे को बंजारा भवन मिला, 3 एकड़ जमीन दिया गया, तो एक शक्ति का ही है ना, तो मैं पूरे जनसंख्या को कहता हूँ हाथ जोड़ के हम एकता हो और एक शक्ति बढ़े तो बहुत बड़ी चीज़ है।